लेकिन जब एक्टिंग शुरू हुई वो सीरियस होती गई लोग मुझे बताते रहे कि यार तू तो अच्छी एक्टिंग कर लेता है एंड आई आई वाज लाइक रियली कैन ये एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे अपने बारे में पता नहीं थी बट यू नो समाइम्स आपको लोग बताते हैं आपके बारे में कुछ तो वहां से फिर सीरियस हुआ फिर बाई फाइनल प्रॉफ आई न्यू कि मैं जैसे मैं पीटीवी करता था पिंडी में बैठ के तो मैं जब इंडस विजन और ये नए नए आए थे तो मैं देखता था कि जटिन बॉन्ड में वो फवाद और अहमद बट उन्होंने फुल धमाल डाला होता था उसमें डांस भी हो रहा है फाइट भी हो रही है तो मैं बैठ के सोचता था कि यार ये काम कहाँ हो रहा है क्योंकि पीटीवी का जो मैं काम कर रहा हूँ वो बड़ा पीटीवी का काम था लाइक यू नो तो वो वो बड़ा ग्लैमरस काम था उसमें दे वु डांस दे वुड फाइट और वो मिशन और hmm. तो मेरे एक दोस्त हैं सैयद नबील साहब हमारे राइटर हैं वो मुझे एक दिन ले गए लाहौर फोर्थ ईयर में था मैं एम के बी के समीना अहमद से मिलने जा रहा हूँ

उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मैंने उनको अपनी एक दो टेप्स भेजी तारिक मिराज साहब की उन्होंने बोला डन एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग तो जब फोर्थ ईयर पूरा मैं पांच दिन कॉलेज जाता था मंडे टू फ्राइडे फ्राइडे को मैं डेबू में बैठता था पिंडी से लाहौर जाता था सैटरडे को शूट करता था संडे को वापस लाहौर से पिंडी आता था मंडे को कॉलेज एक पूरा साल मैंने ये किया wow. एवरी वीक इतना मुझे फिर ना वो शॉक हो गया था इसका तो फोर्थ uh, ईयर उसमें गुजर गया उससे काफ़ी ज़रा एक मेरी वो हो गई लाइक द फेम फैक्टर केम फ्रॉम जटन बॉन्ड पीटी से हुआ था लेकिन वो कम था क्योंकि तो मैंने एक प्ले किया था और लेकिन जटन बॉन्ड से ज़रा ज्यादा हो गया फिर मैंने देखना शुरू किया मैं मैं टी देखता था कि हो क्या है तो फिर मैंने देखा कि यार एक सीरियल्स हैं जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं Pijaros, cruisers, like, उस टाइम आके रुकती हैं और मतलब वो प्राइवेट प्रोडक्शन जो नई थी hmm. उस टाइम पे ना मैंने कहा ये सीरियल काम बनते उसमें से हम सईद उतरता था like, पता चला ये कराची में होता है कहा अच्छा फाइनल प्रॉफ <laughs> <दे, कराची जा। laughs> so, yeah, so prof, फोनि हम TV launch हो रहा था Again, सैयद नबील the same writer, my friend. He was in Karachi. तो उसने मुझे बोला कि हम टीवी लॉन्च हो रहा है तेरे एग्जाम्स खत्म हो तो कराची आ जा मैंने कहा मैंने आना है क्योंकि मैंने वो काम भी देखना है ये कौन सा काम है तो फिर मैं कराची गया 2004 में हम टीवी वी के आ, आ, वो ऑडिशन हो रहे थे सो तो वो मैंने ऑडिशन दिया वो आयशा आलम एक डायरेक्टर हमारी yeah. थी वो एक सोप कर रही थी पहला सोप हम टी का जो आ, उस टाइम पे एम नहीं होता था सिर्फ मूमल प्रोडक्शन होता था वो बना रहे थे तो Oh, मैंने ऑडिशन दिया एंड आई गॉट से लकीली ये शहर मुझ पर मेहरबान रहा वो पहला शोक मुझे मिला हम का फिर वहां से काम निकलता गया निकलता गया और मैं एक साल के लिए आया था एमबीबीएस करके अपने डैड से ये कह के कि मैं एक साल के लिए जा रहा हूं अगर गेम बन गई सही तो ठीक है नहीं तो फिर वापस आके रिज्यूम कर और रेस्टोरेंट्स आपके इस्लामाबाद अभी नहीं खुले थे रेस्टोरेंट अच्छा अभी खोले नहीं थे ना ना अभी एक्टिंग एक्टिंग शुरू शुरू कर दी थी थी हो गई और डॉक्टर एमबीबीएस कंप्लीट कंप्लीट हो गया था तो मैंने फिर वो वो एक साल इतना अच्छा गया मैंने सोप किया बीच में एक सीरियल निकल आया तानिया के नाम से ए आर वाई पे वो कर लिया साल खत्म हुआ छ सात लाख रुपए मेरे पास मैंने अब्बा जान को बताया अब मेरे पास छः सात लाख रुपए अब ने कहा तू काम कर रहे है, वो ठीक है फादर लाइक आर्मी ऑफिसर So, उन्होंने बोला कि इफ यू एंड एंड अप इन सिक्स फिगर्स 2004, 2004. So, like, well, तो right. yes. so, यहां से रेस्टोरेंट्स वो जो मेरे दोस्त मेरे बिजनेस पार्टनर हैं अब वो कराची आते थे उनके साथ फिर हमने पहले जलाटो फेयर खोला मैंने इस्लामाबाद में दस साल वो चलाया फिर दो रेस्टोरेंट्स अभी मेरे दो रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं वी आर केटरिंग अभी कहां दोनों, एक, एक है शकर है, मैं 1969 के नाम से और एक है बी के नाम से सो so दे आज की तारीख में जो जो इन रेस्टोरेंट्स में जाएगा कितने परसेंट <laughs> <नहीं। laughs> so देखो हसन तो आई एम आई एम स्कैटर्ड एवरीवेयर रेस्टोरेंट एक्टिंग मर्दान, पिंडी, कराची, जेलम, जेलम, सो जो भी है no, तो

उनका अपना वेस्ट मैनेजमेंट का बिजनेस है वो मल्टानेशनल कंपनी उनकी फैक्ट्रीज के वेस्ट मैनेजमेंट करते तो मैं उनको बोलता था मुझे बिजनेस करना मैं उनके साथ पेट्रोल पंप मिनरल वाटर प्लांट किस किस चीज की हमने वर्किंग नहीं की बिजनेस का मुझे हमेशा से था कि अपना एक काम होना चाहिए अपना डॉक्टरी भी अपने ही एक एक तरह से वो जॉब है इट्स मोर लाइक यू गो मेरा डॉक्टरी से कोई इख्तलाफ नहीं आई रिस्पेक्ट डॉक्टर्स माई फादर इज अ डॉक्टर माई ब्रदर माई सिस्टर नाउ इज मैं अपने नाम के साथ डॉक्टर इसलिए नहीं लगाता क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की जो प्रैक्टिस करते हैं खाम खा डॉक्टर लगा के फैशन नहीं करते आई so डोंट uh, मैं अपने नाम के साथ नहीं लगाता तो, uh, मुझे सुबह जाओ शाम में आओ सुबह जाओ शाम में आओ आई नीडेड टू गेट आउट ऑफ इट मैं hmm. पांच साल कैडेट कॉलेज में गुजारे थे आप आंसरेबल नहीं होते अनलेस मैं अपना हॉस्पिटल खोल लेता वो भी एक बिजनेस है उसके लिए माल बहुत चाहिए उतना अपने पास तो और फिर मैं पढ़ाई से भी बहुत तंग आ गया था अब उसकी बात है बी करते करते मेरी फिर एफ सी पी एस एफ सी पी एस पार्ट वन पार्ट टू वॉज और आपने सोचा रहा था उस टाइम पे कि यार मैं स्पेसला, मैं एक टाइम पे तो मैं USMLE और फिर पता नहीं क्या मैं जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था मेरे गोल सिर्फ डॉक्टरी के थे